आइए हम थोड़ी देर के लिए भीतर की राह पर चलें, भीतर की सैर पर चलें, भीतर के ध्यानस्थ अवस्था में हम बहुत गहरे उतरते चले जाएं। मेडिटेशन की पावन धारा में खूब गदगद होकर के स्नान करना, ध्यान का ध्यान रखना कहीं भी खंडित ना होए। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन ही माया, यू वॉच इट, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल ऑल द टाइम, यू शुड बी वॉचफुल, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, एकमात्र देखना, देखना ही अनुभव है। अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं, अपने अनुभव से जीना, संभावना का दीप जलाना, अपने अनुभव से जीना, एकमात्र अपना अनुभव, बहुत हो लिया अभ्यास तूने, बहुत किया, बहुत किया, किंतु बाहर ही बाहर रहे, भीतर तेरा आंगन कभी साफ ना हुआ, भीतर तूने कभी कोई डुबकी नहीं लगाया, भीतर तूने कभी भी झांक करके देखा भी नहीं, तो कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, कभी तूने सवाल ही नहीं उठाया। इतनी इंटेलिजेंस के मालिक होकर के भी सारी इंटेलिजेंस बाहर की ओर दौड़ा दिया, बाहर व्यर्थ गवा दिया, और टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो गया। क्या लाभ हुआ तुझे? थोड़ा भीतर रहता तो कितना अच्छा होता, थोड़ा अंतस में जुड़ा रहता, अपने आप से जुड़ा रहता, अपने आप पर आंख रखता, अपने आप पे नजर रखता, तो कृतकृत्य हो जाता। तेरी तमाम मांग, तुम्हारी कोई भी इच्छा, कोई डिजायर तुम्हारी पूरी हो ना हो, दोनों हालात में तेरी संतुष्टि, तेरी तृप्ति का आलम होता। क्या गजब नगमा गूंजता जीवन का, गर तो थोड़ा भीतर होता, अपने आप से जुड़ा होता। सारा जन्म गुजरा जा रहा है अपने आप से बिछड़े, स्वयं सुरती से बिछड़े, तेरा सारा जन्म यूं ही लुटा जा रहा है। गहरों में पड़े पड़े तुम कितने गर्क हो गए हो, स्वयं से जुड़िए, स्वयं सुरती से जुड़िए, स्वयं स्वरूप से जुड़िए, तुम स्वयं अपने आप, अपने अस्तित्व से जुड़ी है। देखते चले जाना भीतर की गति को, जागे जागे देखते रहना, मन माया की गति को देखते रहना, मन के विस्तार को देखते रहना। एवरी थॉट इज माइंड, माइंड के विस्तार को, माइंड की एक्सपेंशन को देखते रहना। लगातार जागे जागे देखते रहना अपने माइंड को, अपने मनुआ को। एक दिन आप इसके मास्टर हो जाओगी, इसके मास्टर होकर के जीना जीवन है, इसके बिना सब मृत्यु ही मृत्यु, मौत ही मौत का पंखा चलता है।
थोड़ा स्टे करना भीतर, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा ठहर जाना, स्थिर हो जाना अपने आप में। बहुत संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। अगर थोड़ी सी प्यास, लगन, उत्कंठा तेरी भीतर की जग जाए तो तनिक मात्र भी कठिन नहीं भीतर का प्रवेश। स्वयं अपना अनुभव लेकर के चलना, अपना अनुभव एकमात्र अनुभव से जीना। अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं। तुम जागे जागे देखते रहना हर स्थिति को, हर हालात को, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। केवल देखना, मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। निष्पक्ष निरपेक्ष होके रहना, तुम नॉन डुअर होके रहना, अकर्ता दृष्टा होके रहना। अधिक से अधिक अपने भीतर की गतिविधियों को देखते रहना। यूजलेस अननेसेसरी एक्टिविटीज को देखते रहना। वेरी यूजलेस थॉट्स कमिंग अप एंड गोइंग, कमिंग अप एंड स्टेइंग for some time, but they will vanish if you will completely looking upon it. Quite useless thoughts. Mind is developing all the time inside. You be a neutral one. Be seer, be witness, be an observer. Observe your mind, observe your thoughts. Simply observe. Do not have any association with it. Simply watch as a neutral one. Watch करते चले जाना, केवल देखते चले जाना। जो भी घटित हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप उसको देखने वाले हो। तुम दृष्टा बन के निरंतर हर हालात को देखते चले जाना। जो भी भीतर घटित हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। बिकम मोर एंड मोर अवेकेंड टुवर्ड्स योर माइंड। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच। Not to indulge in any thought. All thoughts are borrowed from outside. They are useless. Past or future की रस्सियों पर झूलते रहना अच्छा नहीं है। कभी कभी वर्तमान में आना, वर्तमान की झलक लेना, वर्तमान अब अभी में रहना। You should be fully in the now. Omkar.
आमीन। आमीन। सारे जग को देख के जाना, मैंने सारे जग को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। गुरुवर, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर, तुम बिन हमारा, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना, सारी जग को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना, राजा भर्तृहरि ग्रेटर इंडिया के बादशाह ने, ग्रेटर इंडिया के सम्राट ने गजब ढाया, गुरु के धरातल पे पहुंचा। ग्रेटर इंडिया का बादशाह महाराजा भर्तृहरि अपने गुरु के द्वार पर साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपने आप को भेंट करता है। मामूली सी ठोकर क्या लगी, मामूली सी बात क्या गुजरी कि वो सदा के लिए उदासीन हो गया। बचपन के संस्कार उदय हुए, गुरु के प्रति उसका भाव जगा। जिसके चरणों में बचपन गुजरा था वो पुनः उसका पदार्पण हुआ। भीतर की जगत में गुरु का समावेश हुआ। ऐसी प्रतिकूल हालात में, ऐसी दुर्घटना में याद आई सदगुरु की, गुरु गोरक्षनाथ की, कदम उठाते चल पड़ा और अपना अनुभव दिन रात गाता है उसके द्वार पर। सदा सदा के लिए ग्रेटर इंडिया की बादशाही को त्याग करके अपने छोटे भाई महाराजा विक्रमादित्य को राजगद्दी पर विराजमान करके वो सदा के लिए मालिक का हो गया, अपने सदगुरु का हो गया। सदा सदा के लिए उसके चरणों पर अपना आप चढ़ा दिया। गुरुदेव द्वार खोलिएगा, मैं हेल्पलेस हेल्पलेस इंसान तेरे द्वार पर, एकमात्र तेरी चरण शरण में आया हूं, शरणागति के लिए मुझे स्वीकार करना। गुरुदेव ने 3 दिन लगातार द्वार नहीं खोला। आज तो 3 मिनट द्वार ना खोलो तो ना जाने कितने रिएक्शन उठते हैं, कैसे भाग खड़े होते हो, क्या प्यास लगन उत्कंठा है तुम्हारी, क्या प्यास लगन उत्कंठा है जीवन में। थोड़ा सा मामूली सा ठेस लगते ही भाग खड़े होते हो, क्या ये प्यास है, लगन है, उत्कंठा है। देखिए ग्रेटर इंडिया का बादशाह सम्राट राजा भर्तृहरि 3 दिन लगातार गुरु के द्वार पर बैठा रहा,
तीन दिन लगातार द्वार नहीं खुला गुरु गोरक्षनाथ का। गुरु गोरक्षनाथ ने बहुत बहुत चेतावनी दी थी उसको, संसार के प्रति बहुत चेताया, बहुत चेताया, किंतु वो ना चेता। वो दिन रात उसी की दुनिया में खोया खोया जिया चला गया। परंतु एक ऐसी ठेस पहुंची जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है, कोई सानी दुनिया में नहीं दूसरा। वाह रे वाह भर्ती हरि, तूने गजब ढाया। तो पुनः वापस लौटा गुरु के द्वार, तीन दिन लगातार गुरु के चरण शरण को छूने के काबिल होने के लिए उसने तीन दिन लगातार गुरु द्वार पर अपना आप मिटा दिया। तीसरे दिन गुरु ने द्वार खोला और अपने परम शिष्य को छाती से लगा करके उसकी तमाम प्रकार की प्रतिध्वनि को सुना। बहुत सुंदर गाया, अश्रु पात होकर के राजा भर्तृहरि अपने गुरु चरणों को धोता हुआ अपने अश्रुओं से यही गाता है। ठोकर खा कर दिल ने माना, ठोकर खा कर दिल ने माना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, सारी जग को देख के जाना। झूठी है मन की माया, क्या गजब कहता है राजा भर्तृहरि। बाहर नहीं, बाहर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बाहर किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, बाहर किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया अपनी घटना का, अपने भीतर का। एकमात्र मायावी रूप, इल्यूसिव स्टेट ऑफ माइंड जिम्मेवार ठहराया, अपने मन की माया को जिम्मेदार ठहराया। क्या गजब का नूर, निराला नूर महाराजा भर्तृहरि ने पिरोया गुरु कृपा से। अपना भीतर देखा, भीतर जाना, भीतर पहचाना, किसका कसूर, मेरे माइंड का, मेरे मनवा का, जो इतना लट्टू हो गया, इतना लोटपोट हो गया, इतना अटैच्ड हो गया था कि महारानी के बिना जिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता। उस महारानी ने गजब उठा दिया, बहुत गजब उठाया। महाराजा को पुनः वापस लौटा दिया अपने अस्तित्व में, जहां अधिक से अधिक अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है, वहीं ठोकर लगती है, वहीं इंसान को ठोकर लगती है। आज की दुनिया में हर इंसान भीतर से दुखी, अपनी मन माया से दुखी, किसी ने दुखी नहीं किया, अपने माइंड ने दुखी किया, अपना मनवा दुखी, मन बहुत इनसिक्योरिटी प्रदान करता है, बहुत इनसिक्योर रहता है, हर पल हर घड़ी बहिर्मुखी माइंड, ये एक्स्ट्रोवर्ट माइंड तुम्हें कितना नचाता रहता है, कितना अहंकार, कितना अभिमान, कितना अस्मिता के अंधेरों में डालता है, हर पल हर घड़ी भयभीत है, हर पल हर घड़ी, एक घड़ी एक पल भी वह निर्भय नहीं है।
थोड़ा सा निर्भय होता है तो ब्योर माइंड होकर के तो माइंड पुनः पकड़ लेता है। माइंड का खेल गजब का, जिसने देखा उसने जाना, उसी ने जाना मन की गतिविधियों को, जिसने जाना वो मालो माल हुआ, आबाद हुआ, वो इससे आजाद होकर के जीने लगा। मन ही माया, दुनिया में और कोई रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद माया नहीं, एक तेरा माइंड माया है। तेरा मनवा जहां भी लिप्त हो जाता है वही का हो जाता है। झूठी है ये मन की माया, झूठी है ये मन की माया। मन से बचिएगा, माइंड से बचिएगा। बाहर की दुनिया से क्या बचते हो तुम, अपने माइंड से बचिएगा। ए दुनिया में गजब ढाने वालों, प्यासे दीवानों, लगन के मालिकों, तुम थोड़ी सी अपनी प्रीति अपने आप से जोड़ना, अपना प्रेम अपने आप से जोड़ना, अपने अस्तित्व से जोड़ना। तुम स्वयं अपने माइंड की गति को देखना। माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इवेंट्स, फॉर ऑल दीज इल्यूसिव स्टेट्स। माइंड इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट एनी अदर वन आउटसाइड, योर माइंड इज। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मनवा जितना एक्सट्रोवर्ट, जितना दूसरों पे आधारित, जितना दूसरों के पास में बंधा हुआ निरंतर रहेगा, उतना तुम बंधे बंधे जियोगे। और जितना तुम माइंड से स्वतंत्र होकर जियोगे, माइंड से आजाद होकर के जियोगे, तुम मास्टर होकर के जियोगे, तुम अपने मालिक होकर जियोगे। वो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा जिस दिन तुम अपने माइंड से मुक्त होकर के जियोगे। माइंड से मुक्ति जीवन मुक्ति है। जीते जागते जीवन मुक्त होना तेरा धर्म है, एकमात्र तेरी नियति है। घर तूने अपना आप संवारा, अपना आप जाना, अपनी सुरती संभाला, अपने स्वभाव को संभाला, अपना आप संभाला माइंड से, तो माइंड तेरा गुलाम होकर के, तेरा नौकर होकर के, तेरा सर्वेंट होकर के वर्क करेगा। तुझे कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि तू कभी धोखा खा ही नहीं सकेगा। इफ यू आर ए मास्टर ऑफ माइंड, तो तेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तेरी बहारों में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आबाद ही आबाद होता चला जाएगा। कितना सुंदर कहता है महाराजा भर्तृहरि, अपने माइंड को जिम्मेवार ठहराता है, अपने माइंड को जिम्मेवार ठहराता हुआ क्या गजब कहता है। झूठी है ये मन की माया, कोई किसी के काम ना आया। झूठी है मन की माया, कोई किसी के काम ना आया। मतलब अपना निकल गया तो सबने अपना हाथ छुड़ाया। मतलब अपना निकल गया तो सबने अपना हाथ छुड़ाया। सब कुछ खोकर हमने जाना, सब कुछ खोकर हमने जाना। तुम बिना हमारा कोई नहीं है, तुम बिना हमारा कोई नहीं है। ठोकर खाकर दिल ने माना,
कब तक झेलेगी ये काया, कब तक झेलेगी काया, कब तक झेलेगी ये काया, कब तक झेलेगी काया, सुख व दुख की धूप उछाया, कब तक झेलेगी ये काया, सुख व दुख की धूप उछाया, अंधियारे में आकर दे अंधियारे में आकर देखा, हमसे बिछुड़ा हमारा साया, अंधियारे में आकर देखा, हमसे बिछुड़ा हमारा साया, लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा गुरुवर हर बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, सारी जग को देख के जाना,